हेलो फ्रेंड्स, आपने अभी तक माय टेक्निकल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोमनाथ और आपका एक बार फिर से स्वागत है माय टेक्निकल न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, एक व्हाट्सएप ने अभी नया फीचर प्रोवाइड किया है जिसमें आप स्टिकर्स भी सेंड कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप अपने खुद के स्टिकर्स कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आपको दो एप्लीकेशंस एंड्रॉयड स्टोर से या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर और पर्सनल स्टिकर फॉर द व्हाट्सएप। आप ये नाम अगर प्ले स्टोर पर सर्च करते हो तो आपको ये आसानी से मिल जाएंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन पार्ट में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है तो उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले तो बैकग्राउंड इरेजर ऐप खोलना पड़ेगा जिससे आप अपने स्टिकर्स बना सको। यहाँ पे एक ऑप्शन है लोड अ फोटो, सीधा इस पर क्लिक करना है आपको लोड अ फोटो। वहाँ से अपना जो इमेज है वो सिलेक्ट करो। डन। अभी यहाँ पे आपको इसका जो बैकग्राउंड वो इरेज करना है, यानी कि ये इमेज जो है वो PNG फॉर्मेट में सेव हो जाएगा और उसका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब ये स्टिकर के फॉर्म में सेव हो जाएगा। इसके लिए आप एक फीचर इस ऐप से प्रोवाइड किया गया है जिसे ऑटो, इसे आप सीधा अपना कोई कलर का जो बैकग्राउंड है सिंपली इरेज कर सकते हो। तो मैं सीधा अभी ऑटो पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर छोड़ देता हूँ तो आसानी से वो डिलीट हो जाएगा बैकग्राउंड। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। इसके बाद अभी इसको आपको स्मूथिंग करना है। तो यहाँ पे एक दूसरा एक ऑप्शन है स्मूथ, तो इसे आप जितना स्मूथ करना चाहते हो उतना कर सकते हो। अभी मैं इस पर इसको 2 पे रखता हूँ, तो अभी इसको सेव कर देता हूँ PNG फॉर्मेट में। ऑटोमेटिकली ये PNG फॉर्मेट ले लेगा और सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको पर्सनल स्टिकर्स फॉर व्हाट्सएप ये ऐप ओपन करना है, जिसमें जितने भी आपके फ़ोन में PNG फॉर्मेट वाले इमेजेस सेव है वो यहाँ पे दिखा देगा। तो यहाँ पे जितने स्टिकर्स है उसको आपको यहाँ पे सिंपली ऐड करना है। तो मैं ऐड कर देता हूँ सेंडिंग फॉर व्हाट्सएप। वुड यू लाइक टू ऐड इरेजर टू व्हाट्सएप, ऐड इरेजर में ओके। तो अभी ये स्टिकर्स जो है वो व्हाट्सएप में ऐड हो चुके हैं। तो देखते हैं ये स्टिकर्स आए व्हाट्सएप में या नहीं। इसके लिए मैं अपना व्हाट्सएप ओपन कर देता हूँ। इसके बाद देखता हूँ कि स्टिकर्स आए या नहीं। तो यहाँ पे एक मुझे दूसरा एक ऑप्शन दिख रहा है जिसमें जो मेरे स्टिकर्स है वो यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मैं अभी सेंड करके देखता हूँ ये जा रहा है कि नहीं। तो सिंपली ये जा रहा है स्टिकर्स, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने स्टिकर्स जो है व्हाट्सएप पे ऐड कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।